नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि ओपन प्लॉट या लैंड परचेस करने के लिए या फिर बंगलो परचेस करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर फ्लैट परचेस करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम जब भी फ्लैट परचेस करते हैं कोई स्कीम में या फिर टाउनशिप इसमें, तो सबसे पहले उधर देखना है हम लोगों को कि वहाँ डेवलपमेंट का प्लान क्या है, उसके साथ में वहाँ पावर ऑफ अटर्नी, फिर सैंक्शन प्लान, फिर कमेंसमेंट का, फिर इसके साथ ही कंप्लीशन है या पार्ट कंप्लीशन है, फिर एनए ऑर्डर, इसके साथ में वो अर्बन लैंड के कुछ रूल्स या लॉज है वो है कि नहीं, उसके साथ में फ्रेश सर्च रिपोर्ट चेक करना है, वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो हम लोगों को पता चल जाए प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल है कि नहीं। उसके साथ में स्कीम लोन, उस स्कीम के लिए कुछ लोन वगैरह अवेलेबल है या नहीं है वो भी हम लोगों को चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू सेल, इसमें जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो देखना है। उसके बाद इंडेक्स टू, ये एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, वो भी चाहिए। उसके बाद नोंदनी पावती, जैसे हम लोग कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं उसका एक रिसिप्ट रहता है, फिर पोजेशन लेटर रहता है, जब भी आपको फ्लैट आप लेते हैं उसका एक पोजेशन का लेटर रहता है, फिर बिल्डर का एनओसी रहता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके साथ रिलीज डीड, ये भी एक डॉक्यूमेंट रहता है। इसके साथ लास्ट में पार्ट कंप्लीशन या फिर फुल कंप्लीशन, जो भी अगर उसका स्टेटस है उसके हिसाब से, फिर बाद में प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट बिल और एनओसी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसके साथ ये टैक्स वगैरह सब क्लियर है कि नहीं, टैक्सेस, लाइट बिल, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर नया फ्लैट है तो उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, वो भी चेक करना है। रेरा रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ये बायर्स को ज़्यादा बेनिफिट है कि 5 साल का आपको उसको गारंटी मिलता है, कोई भी स्ट्रक्चर अगर डिफेक्ट हो गया तो उसको बिल्डर की तरफ से आपको उसका मेंटेनेंस या फिर रिपेयरिंग करके मिलता है। अब हम देखेंगे कि कोई भी रीसेल फ्लैट अगर हम परचेस करते हैं किसी अपार्टमेंट में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले डीड ऑफ डिक्लेरेशन, उसके बाद में इंडेक्स टू, उसका जो भी फ्लैट है उसका इंडेक्स टू, उसके बाद है नोंदनी पावती या फिर रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, इसके बाद है अपार्टमेंट का डीड चाहिए, फिर उसका इंडेक्स टू चाहिए, इसके बाद फिर कमेंसमेंट जो सर्टिफिकेट वो चाहिए, उसके साथ में कंप्लीशन या पार्ट कंप्लीशन है जो भी स्टेटस है उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, लाइट बिल, उसके बाद में है एनओसी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और टैक्स और लाइट बिल जो भी इसका स्टेटस कितना भरा है क्या है वो सब डिटेल चाहिए, और बाद में कुछ मेंटेनेंस के रिसिप्ट चाहिए, और लास्ट में है रिलीज डीड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर हम कोई रीसेल फ्लैट किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी में लेते हैं या परचेस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो सोसाइटी वो रजिस्टर है कि नहीं, उसके बाद वो सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट, इसके बाद है कन्वेंस या फिर डीम्ड कन्वेंस या कि नहीं, उसके बाद कंप्लीशन या फिर पार्ट कंप्लीशन वो भी चेक करते हैं, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद लाइट बिल, और बाद में एनओसी फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है उसका एनओसी लिखेंगे, फिर टैक्स और लाइट भी लिखेंगे, फिर उसके मेंटेनेंस का कुछ चार्जेस या फिर कहेंगे डॉक्यूमेंट्स वो भी चाहिए, और उसके साथ में बाद में रिलीज डीड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों ये रहा अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल, जो भी हम लोगों को फ्लैट परचेस करना है, अगर नया फ्लैट परचेस करना है या फिर रीसेल फ्लैट परचेस करना है, ये डॉक्यूमेंट देखना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। ये रहा हमारा आज का डॉक्यूमेंट। दोस्तों आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर पहली बार मेरा आप चैनल देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।